प्रश्न एक, बैटरी को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन आ ड्राई सेल और अल्केलाइन सेल, ऑप्शन बा बटन सेल और लिथियम सेल, ऑप्शन सा प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, ऑप्शन द बेलनाकार सेल और आयताकार सेल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सा प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दो, टू बोल्ट वाले 6 सेल श्रृंखला सीरीज में जुड़े हैं, इनका कुल वोल्टेज मान है। ऑप्शन आ 3 वोल्ट, ऑप्शन बा 6 वोल्ट, ऑप्शन सा 12 वोल्ट, ऑप्शन द 14 वोल्ट। वी हैव आंसर ऑप्शन सा 12 वोल्टेज। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 3, लेड एसिड सेल का प्रयोग विभिन्न अनुप्रयोगों में किया जा सकता है, इन सेलों का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है? ऑप्शन ऑटोमोबाइल में, बा क्वार्ट घड़ियों में, सा पोर्टेबल रेडियो रिसीवर में, दा कैलकुलेटर में। उत्तर है ऑटोमोबाइल में। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन 4, किसी सेल की डिस्चार्जिंग तथा रिचार्जिंग की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आ सेल की लोडिंग, ऑप्शन बा सेल की सीजनिंग, ऑप्शन सा सेल की प्रेशराइजिंग, ऑप्शन द सेल की रिसाइकलिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन द सेल की रिसाइकलिंग। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 5, बैटरी की क्षमता रिक्त स्थान में अभिव्यक्त होती है। ऑप्शन आ एम्पियर, ऑप्शन बा वाट्स, ऑप्शन सा एम्पियर आवर्स, ऑप्शन द वाट आवर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बा वाट्स। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 6, बैटरी इलेक्ट्रोलाइट पानी और रिक्त स्थान का मिश्रण होता है। ऑप्शन आ लेड परऑक्साइड, ऑप्शन बा लेड सल्फेट, ऑप्शन सा सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन द उपरोक्त सभी। वी हैव आंसर ऑप्शन बा लेड सल्फेट। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन 7, डिस्चार्ज्ड बैटरी की प्लेट्स, ऑप्शन आ इलेक्ट्रोलाइट की उपस्थिति में दो समान धर्म धातु, ऑप्शन बा पानी की उपस्थिति में दो समान धर्म धातु, ऑप्शन सा इलेक्ट्रोलाइट की उपस्थिति में दो विरुद्ध धातु, ऑप्शन द पानी की उपस्थिति में दो विरुद्ध धातु। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बा पानी की उपस्थिति में दो समान धर्म धातु। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 8, एक बैटरी रिक्त स्थान का एक स्रोत होता है। ऑप्शन आ डीसी वोल्टेज, ऑप्शन बा फाई एसी वोल्टेज, ऑप्शन सा 3 फाई एसी वोल्टेज, ऑप्शन द
एसी या डीसी वोल्टेज? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन आ, डीसी वोल्टेज। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 9। सेल को रिक्त स्थान के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन आ वोल्टेज रेटिंग को बढ़ाने, ऑप्शन बा करंट रेटिंग को बढ़ाने, ऑप्शन सा सेल्स की लाइफ को बढ़ाने, ऑप्शन द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन आ वोल्टेज रेटिंग को बढ़ाने। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 10। एक बैटरी की कैपेसिटी को निम्न रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन आ करंट रेटिंग, ऑप्शन बा वोल्टेज रेटिंग, ऑप्शन सा एम्पियर घंटा रेटिंग, ऑप्शन द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सा एम्पियर घंटा रेटिंग। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है। एक निकिल आयरन सेल की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान ऑप्शन आ कोरोसिव फ्यूज़न उत्पन्न होता है, ऑप्शन बा पानी न तो बनता है और ना ही ऑब्जर्व होता है, ऑप्शन सा निकिल हाइड्रोक्साइड अनस्प्लिट रहता है, ऑप्शन द इसका ईएमएफ कांस्टेंट रहता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बा पानी ना तो बनता है और ना ही ऑब्जर्व होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 12। कांस्टेंट करंट सिस्टम की तुलना में एक लेड एसिड सेल को चार्ज करने के लिए कांस्टेंट वोल्टेज सिस्टम का उपयोग करना निम्न रूप में लाभदायक होता है। ऑप्शन आ चार्जिंग समय को घटाना, ऑप्शन बा सेल कैपेसिटी को बढ़ाना, ऑप्शन सा आ बा वा दोनों, ऑप्शन द अधिक मात्रा में गैसिंग से बचाना। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सा आ बा वा दोनों। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है। एक लेड एसिड सेल की तुलना में एक निकिल आयरन सेल की दक्षता रिक्त स्थान के कारण कम होती है। ऑप्शन आ कम्पैक्टनेस, ऑप्शन बा कम ईएमएफ, ऑप्शन सा उपयोग होने वाले इलेक्ट्रोलाइट की कम मात्रा, ऑप्शन द हायर इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन द हायर इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है। एक स्टोरेज बैटरी की ट्रिकल चार्जिंग मदद करती है। ऑप्शन आ सही इलेक्ट्रोलाइट लेवल बनाए रखने में, ऑप्शन बा इसकी रिवर्स कैपेसिटी बढ़ाने में, ऑप्शन सा सेल फेशन को रोकने में, ऑप्शन द इसे फ्रेश और पूरी तरह से चार्ज रखने में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन द इसे फ्रेश और पूरी तरह से चार्ज रखने में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है। एक सेल के वे पदार्थ
जो केमिकल कॉम्बिनेशन के समय एक्टिव होते हैं और चार्जिंग एवं डिस्चार्जिंग के दौरान इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करते हैं। रिक्त स्थान मटेरियल्स कहलाते हैं। ऑप्शन आ पैसिव, ऑप्शन बा एक्टिव, ऑप्शन सा रिडंडेंट, ऑप्शन द इनर्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बा एक्टिव। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 16। एक सेल में इलेक्ट्रोलाइट का लेवल प्लेट्स के लेवल से रिक्त स्थान होना चाहिए। ऑप्शन आ कम, ऑप्शन बा बराबर, ऑप्शन सा ऊपर, ऑप्शन द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सा ऊपर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है। एक क्षार एल्कालाई सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस एक लेड एसिड सेल से रिक्त स्थान गुना होता है। ऑप्शन आ 2, ऑप्शन बा 3, ऑप्शन सा 4, ऑप्शन द 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन द 5। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है। एक सिल्वर जिंक बैटरी की धनात्मक प्लेट का एक्टिव मटेरियल होता है। ऑप्शन आ सिल्वर ऑक्साइड, ऑप्शन बा लेड ऑक्साइड, ऑप्शन सा लेड, ऑप्शन द जिंक पाउडर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन आ सिल्वर ऑक्साइड। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 19। ओवर चार्जिंग, ऑप्शन आ अधिक मात्रा में गैसिंग उत्पन्न करती है, ऑप्शन बा एक्टिव मटेरियल खो देती है, ऑप्शन सा तापमान बढ़ने से प्लेट्स मुड़ जाती है, ऑप्शन द उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन द उपरोक्त सभी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 20। अंडर चार्जिंग, ऑप्शन आ इलेक्ट्रोलाइट की विशिष्ट ग्रेविटी कम कर देती है, ऑप्शन बा इलेक्ट्रोलाइट की विशिष्ट ग्रेविटी बढ़ा देती है, ऑप्शन सा अधिक मात्रा में गैसिंग उत्पन्न करती है, ऑप्शन द तापमान बढ़ा देती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन आ इलेक्ट्रोलाइट की विशिष्ट ग्रेविटी कम कर देती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 21। इंटरनल शॉर्ट सर्किट होते हैं। ऑप्शन आ एक या एक से अधिक सेपरेटर के ब्रेक डाउन होने पर, ऑप्शन बा सेल के नीचे अधिक मात्रा में सेडिमेंट के जमाव होने पर, ऑप्शन सा आ बा वा दोनों।
ऑप्शन द, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन स, आ बा वा दोनों। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 22। प्रत्येक सेल में बेंट कैप होती है। ऑप्शन आ, सेल के चार्ज होने की स्थिति में गैसों को बाहर निकालने के लिए। ऑप्शन बा, जरूरत पड़ने पर सेल में पानी डालने के लिए। ऑप्शन सा, इलेक्ट्रोलाइट का लेवल चेक करने में। ऑप्शन द, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 23। इलेक्ट्रोलाइट का लेवल प्लेट्स से कम होने पर। ऑप्शन आ, सेल की कैपेसिटी कम हो जाती है। ऑप्शन बा, सेल की लाइफ कम हो जाती है। ऑप्शन सा, ओपन प्लेट्स लीड सल्फेट में बदल जाती है। ऑप्शन द, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन द, उपरोक्त सभी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 24। इलेक्ट्रोलाइट में करंट फ्लो रिक्त स्थान की मूवमेंट की वजह से होता है। ऑप्शन आ, आयंस। ऑप्शन बा, होल्स। ऑप्शन सा, इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन द, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन आ, आयंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।